बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 27 मथुरापुर से पार्षद धर्मवीर साहू से आज हमारे संवाददाता ने उनके मथुरापुर स्थित निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षद धर्मवीर साहू ने अपने अब तक के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि उनके वार्ड के अंतर्गत मथुरापुर, बंडिया, टियुलिया, खना, गौटिया आदि क्षेत्र आते हैं, जिनमें हमने लगभग 80% विकास कार्य पूरे करा लिए हैं। पार्षद धर्मवीर साहू ने बताया कि उनके क्षेत्र में सीसी रोड, इंटरलॉकिंग नालियों एवं छोटी छोटी गलियों में भी रोड पड़ने के कार्य पूरे हो चुके हैं। पार्षद धर्मवीर साहू ने बताया कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत 4 प्राइमरी स्कूलों को कायाकल्प के अंतर्गत कार्य कराकर बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही क्षेत्र में एक उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने के लिए भी वह लगातार प्रयासरत है। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में स्थित प्रत्येक गली में स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है। पार्षद धर्मवीर साहू ने बताया कि अब से 7 वर्ष पूर्व उनके क्षेत्र में पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था, परंतु क्षेत्र की जनता को पीने के पानी की व्यवस्था पूर्व पार्षदों द्वारा नहीं कराई गई थी। उस कार्य को हमने अपने कार्यकाल में पानी की टंकी की मरम्मत कराकर प्रत्येक क्षेत्रवासियों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराई है। पार्षद धर्मवीर साहू ने बताया केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनहित और जनकल्याण की योजनाएं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला गैस योजना, स्वच्छ शौचालय योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, राशन कार्ड योजना सहित लगभग सरकार द्वारा जनहित और जनकल्याण की 1 दर्जन से अधिक योजनाओं का लाभ हमने प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य किया है। हमारे कार्यकाल में क्षेत्र की सफाई व्यवस्था बेहतर की गई है। मेरा नाम धर्मवीर साहू है, वार्ड नंबर 27 से पार्षद हूँ मैं, और मेरे वार्ड में मथुरापुर, बंडिया, खनागौटिया, टुलिया 4 गांव आते हैं। धर्मवीर जी, लगभग 4.5 साल का आपका कार्यकाल हो चुका, पहली बार आप पार्षद चुने गए हैं यहाँ जी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके 4.5 साल के कार्यकाल में कितने प्रतिशत विकास कार्य हो चुके? लगभग 80% विकास कार्य हो चुका है। अभी मथुरापुर तो मेरे ख्याल से निबट ही गया, टुलिया में भी 60% काम करा चुका मैं, और बंडिया में भी काम हुआ है, और खनागौटिया में थोड़ा काम रह गया है, अब वहाँ भी काम कराने की इच्छा है मेरी। रमदीप जी, कितने एरिए में इंटरलॉकिंग हो चुकी है और कितने में आरसीसी का रोड पड़ चुके हैं? आरसीसी एक तो 38 लाख की पड़ी थी टुलिया में, आरसीसी हमारे यहाँ पड़ी थी 23 लाख की, और एक 9 लाख की आरसीसी पड़ी, एक खनागौटिया में बंडिया में 14.5 लाख की आरसीसी पड़ी, और इंटरलॉकिंग तो बहुत पड़ी है। धर्मवीर जी, काफी विकास आपने अपने कार्यकाल में कराया है जी, आपकी यहाँ एक बड़ी समस्या जो थी आपके कार्यकाल से पहले, वो ये थी कि स्वच्छ पानी की लोगों के लिए, कि यहाँ वाटर लाइन सप्लाई जो थी वो नहीं थी और पानी लोगों को शुद्ध पीने का नहीं मिल पाता था, उसके लिए क्या आपकी प्रक्रिया रही? टंकी तो लग गई थी 7-8 साल पहले, लेकिन वो चालू नहीं हुई थी। जब मैंने उसे चालू करवाया था तो जगह जगह लीकेज थी, तो उसे मैंने सही करवाई, अब पानी आना शुरू हो गया है, अब पानी की सप्लाई बढ़िया आ रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है पानी की सप्लाई। साफ सफाई, नाली खरंजा की स्थिति क्या है आपके? सफाई हमारे यहाँ खूब होती है, हर रोज, हर जगह, हर वार्ड में, पूरे वार्ड में सफाई खूब होती है, सफाई की कोई समस्या नहीं है हमारे वार्ड में। धर्मवीर जी, आपके कार्यकाल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे कि उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित लगभग 1 दर्जन योजना है जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, राशन का तमाम चीजें आती हैं, तो इसमें कितने प्रतिशत लोगों को लाभ मिल चुका है और कितने प्रतिशत लोगों को मिलने वाला है? उज्ज्वला कनेक्शन करीब 500-600 हमारे वार्ड में बढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना करीब 35 मकान आ चुके हैं और 250 से 300 मकान आने वाले हैं, और शौचालय तो मेरे ख्याल से हर घर में बन ही गया, और वृद्धा पेंशन भी अधिकतर लोगों की बन गई, राशन कार्ड भी कुछ ही लोग रह गए हैं ना के बराबर जिनके नहीं बन पाए, वरना सभी के राशन कार्ड भी बन गए। आयुष्मान कार्ड की क्या? आयुष्मान कार्ड भी जितने भी नाम थे 2011 की जनगणना में वो सारे ही बन गए, कोई भी नहीं बचा है, लोगों ने उसका लाभ भी लिया है। एक हमारे यहाँ प्यारे लाल जी हैं, उनका अभी गुला टूट गया था तो उनका इलाज भी हुआ उसी आयुष्मान कार्ड से।
धर्मवीर जी, स्ट्रीट लाइट की क्या स्थिति है इस वक्त आपके कार्यकाल में? स्ट्रीट लाइट तो एक पोल छोड़ के एक पोल हर पूरे वार्ड में ही लग गई है और कुछ जगह रह गई हैं तो वहाँ और आ रही हैं। मेरे सामने अभी वायदा करा है भी स्ट्रीट लाइट देने का, वो भी मैं लगवाऊंगा अभी। धर्मवीर जी, ये सारे कार्य तो आपने 4.5 साल में करा ही लिए जी, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगले कार्यकाल के लिए आपके ड्रीम प्रोजेक्ट और भविष्य की योजनाएं क्या है? हॉस्पिटल होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है हमारे यहाँ, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए और एक बरात घर, धर्मशाला, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारे वार्ड में, ये चीज़ें हैं नहीं। धर्मवीर जी, शिक्षा के क्षेत्र में क्या व्यवस्था आपके कार्यकाल में की गई है? जितने हमारे यहाँ प्राइमरी पाठशाला थे सारे का कार्यकलाप हो चुका है। अब स्थिति क्या है? अब तो स्कूल बहुत बढ़िया है, मथुरापुर का स्कूल तो नंबर टॉप पे होगा पूरी बरेली में, आप देख सकते हैं उसे, उसमें हमारे प्रधानाचार्य का भी बहुत सहयोग रहता है। धर्मवीर जी, जितने आपके कार्यकाल में विकास कार्य हुए, जिन लोगों ने आपका सहयोग किया है, उनको किस तरीके से आप धन्यवाद देना चाहेंगे? जो लोग मेरे साथ हैं, मेरे हमेशा साथ रहते हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और उन्हीं की वजह से है इतना काम करा पाया मैं, उनका सहयोग के बिना मैं काम भी नहीं करा पाता। रमजीत जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने क्षेत्रवासी को यही संदेश देना चाहता हूँ, किसी को भी वोट करें, वोट उसी को करें जो तुम्हारे काम में आए, चाहे मैं सही या कोई सही है। जो काम में नहीं आ रहा है उसे वोट देने से कोई फायदा नहीं है। राजनीति में सब वोट मांगते हैं, लेकिन वोट उसी को करें जो काम करे, जो काम ना करे उसे वोट ना दें।